Kuldeep Singh from Ludhiana has called in. Kuldeep ji, namaskar. How are you? Namaskar, fine, thank you. बताइए सर, कैसे मदद करें आपकी आज? I hold 7580 number of JB Chemicals. JB Chemicals and Pharma आपने खरीदा है, 7500 shares आपके पास हैं. क्या प्राइस पर लिया है सर? 7580. 7580 shares हैं आपके पास, है ना? Yes, ये IPO में मिले थे 86-87 में 100 shares. क्या बात है. कुछ आई थिंक 35-40 साल पहले आपने ये आईपीओ पे 13 पैसे पर लिया हुआ ये स्टॉक. हाँ, 1000 रुपये लगाया था. तो अब क्या करें, स्प्लिट बोनस करके ये 7580 हो गए. चलिए चार्ट दिखाते हैं अभी हमारे सभी दर्शकों को. ये आपने बहुत ही अच्छी क्वेरी बताई है. अभी देखते हैं आप मुनाफा कितना हो रहा होगा. चार्ट दिखाइए पीसीआर जेबी केमिकल्स और फार्मा का. पहले तो देखते हैं कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है. जेबी केमिकल्स और फार्मा व्यूअर्स इस समय 1800 के प्राइसेस पर चल रहा है, 1807. और कुलदीप जी आपको ये 13 पैसे पर एलोकेट हुआ था 1986 1987 में. कुछ 38 साल पहले 1000 रुपए आपने लगाए थे केवल. अभी मेरे पास तो हाँ जी बताइए. एलोकेट तो फेस वैल्यू 10 का था, तो 100 शेयर मिले थे मुझे, 1000 रुपीज लगाया था मैंने. ठीक है, तो वो स्प्लिट्स और बोनस दे दे के अब ये 7580 हो गए हैं. क्या बात है, क्या बात है. 100 शेयर्स इनको मिले थे, स्प्लिट बोनस ओवर द इयर्स मिलते मिलते. ये है स्टोरी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की. सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कुलदीप जी, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने के लिए. आपका उदाहरण बहुत सारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग उदाहरण है कि जब लोग शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को लेकर डर जाते हैं बाजार में. एक इवेंट आया परसों के दिन जब स्टॉक मार्केट्स 6% 8% गिरती हुई नज़र आए और बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने अपना पैसा निकाला, नुकसान झेला. अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रहें तो स्टॉक मार्केट्स में आपको किस तरीके की वेल्थ देखने को मिल सकती है, ये इनके उदाहरण से देखने को मिल रही है. करोड़ों में होगा इनका प्रॉफिट. अक्षय जी जी बिल्कुल, मैं वही सोच रहा हूँ. व्यू शेयर करो या बधाई शेयर करो पहले. ये जो इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक मिसाल ही बना दिया है. तो ये जो है पूरा उनका जो बेसिक कॉस्टिंग है, जितना पैसा लगाया हुआ है वो पूरा स्टॉक डिविडेंड्स और स्टॉक स्प्लिट सब में निकल चुका है. तो आपका तो कॉस्ट तो फ्री हो चुका है. तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो तब तो बहुत ही छोटी बात है. मेरे हिसाब से स्टॉक तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ट्रेंड तो अभी भी स्ट्रांग है, बस थोड़ा मोमेंटम ऑफ है. तो इन्वेस्टिंग का जर्नी जो है जेबी केमिकल में आप जारी रखिए. टारगेट प्रोजेक्शन तो मैं खैर करूँ कि नहीं वही सोच रहा हूँ, पर जितना देख रहा हूँ 2200 तक ये दिख रहा है अभी भी लॉन्ग टर्म में. तो आप बने रहिए और ये शायद और आपको ये स्टॉक प्रॉफिट्स में एंजॉय करने को आपको रैली प्रेजेंट करे. तो यही मेरी कामनाएं होंगी. तो होल्ड करके चले 2200 अगर आपको टारगेट. कुलदीप जी आप पहले मुझे बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? अब बस हस्बैंड वाइफ ही हैं, बेटा ऑस्ट्रेलिया में, बेटी की शादी हो गई. क्या बात है. तो अब आप ये स्टॉक अपने बच्चों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रखना चाहते हैं क्या उनके लिए, कि आपने जिस तरीके से धैर्य रखा स्टॉक मार्केट्स में, उनके लिए एक पूंजी क्रिएट करी है, किस तरीके से आप बढ़ना चाहेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको एक व्यू की यहाँ पर ज़रूरत होगी. जिस तरीके से आपने 40 साल तक इसे होल्ड करके रखा है, उस पेशेंस को आपने दिखाया है और आपने देखा है ये स्टॉक को आगे बढ़ते हुए. इसकी ना एक न्यूज़ आ रही थी स्टेक सेल की बाई KKR, तो उसमें थोड़ा डर लग रहा था कहीं उससे और गिर ना जाए, इसलिए मैं पूछ रहा था क्या इसको होल्ड करें, सेल कर दें या फिर शिफ्ट कर दें किसी और शेयर में? देखिए अक्षय जी तो मानते हैं कि अभी आप होल्ड करके रह सकते हैं क्योंकि न्यूज़ आएगी न्यूज़ जाएगी, लेकिन ये स्टॉक अभी उनको बरकरार लगता है एक ट्रेंड में. अक्षय जी कुछ और कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ रिस्क फैक्टर है, पार्शियल बुकिंग करने चाहिए या नहीं? कितने करोड़ का हो गया सर आपका पोर्टफोलियो बताइए ना इसके साथ. कुलदीप जी 4 CR का है, 4 CR का आपका पोर्टफोलियो हो गया इसके साथ. बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई सर. अक्षय जी बताइए. देखिए आपने तो सब स्टॉक का पूरा लाइफ का जर्नी देख लिया अब तक, और जो भी इसमें कठिनाइयाँ आनी थी, जो भी करेक्शंस आने थे, जो भी मार्केट का दौर था, वो सब आपने देख लिया है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ फ्लो है माइनर है, और प्राइस ग्राफ देखूं तो ऐसे कुछ खतरों के संकेत तो नहीं दिख पा रहे। तो 2200 का तो टारगेट दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर प्राइस चार्ट पे मैं सपोर्ट ढूंढूं तो 1600 तक है, 1600 का है। तो जब तक 1600 के ऊपर है, 2300 का टारगेट इंटैक्ट, 2200 का टारगेट इंटैक्ट है। तो बने रहिए, लॉन्ग टर्म जर्नी अभी भी आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके कुलदीप जी, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। उतार चढ़ाव तो आपने बहुत देखे हैं और आपको एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।